इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित प्रेस वार्ता। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस पर भाजपा बेगूसराय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें बेगूसराय के विधान पार्षद श्री रजनीश कुमार ने बताया कि पूरे बिहार में एक साथ 70 जगहों पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को प्रमुखता से गिनाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की का बिहार से विशेष लगाव रहा है, चाहे किसानों के उत्थान की बात हो या गरीब महिलाओं को धुएं से आज़ादी दिलाने की बात हो, चाहे दलित भाइयों के हक में आवाज़ उठाने की बात हो, हर मोर्चे पर प्रधानमंत्री के द्वारा उठाए गए विकासात्मक कदमों से बिहार को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी योजनाओं से किसानों को आर्थिक रूप से संपन्न किया जा रहा है। चाहे आत्मनिर्भर बिहार की बात हो, युवाओं में कौशल विकास की बात हो, रेल विद्युतीकरण की बात हो, एयरपोर्ट विस्तारीकरण की बात हो, हर क्षेत्र में लगातार प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों पर विकास का कार्य जारी है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत बिहार को निरंतर बिजली की आपूर्ति के लिए 5,880 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। नमामि गंगे योजना के तहत लगभग 5,186 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 20 शहरों में 30 योजनाएं चलाई जा रही हैं और ये आगे भी जारी रहेंगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा बेगूसराय के जिला अध्यक्ष श्री राजेश किशोर सिंह, पूर्व विधायक सुरेंद्र मेहता, वरिष्ठ नेता रामलखन सिंह, कुंदन सिंह, अमरेंद्र अमर, वंदना सिंह, सर्वेश कुमार, नवीन कुमार, भाजपा जिला उपाध्यक्ष कुंदन भारती, मृत्युंजय वीरेश, जिला महामंत्री आशुतोष हीरा, आईटी सेल संयोजक आलोक कुमार, जिला मंत्री राकेश पांडे उपस्थित रहे। मित्रों, आप जानते हैं कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस था। जन्मदिवस को उनके जन्मोत्सव को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। पूरे बिहार में आज के दिन कोई न कोई नेता प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं और प्रेस को संबोधित कर रहे हैं और आज इसी कड़ी में बेगूसराय में भी यह प्रेस वार्ता भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करते हुए उनकी यशस्वी और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। आज पूरे जिला बेगूसराय की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से उनके इस जन्मदिवस पर उनके लिए शुभकामना करता हूँ। और इसके कारण 2014 और 2019 दोनों लोकसभा के बिहार में अपार जन समर्थन देकर के नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री चुनने का काम किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश के विकास के साथ साथ बिहार के विकास के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत की है, जिसके कारण आज बिहार तरक्की की ओर बढ़ रहा है। गरीब महिलाओं को धुएं से आजादी दिलाने की बात हो, चाहे मजदूरों के हित की बात हो या दलित भाइयों के हित दिलाने की बात हो, आज बिहार का हर वर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उठाए गए विकास सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक रूप से संपन्न करने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6,000 रुपया सीधे किसानों के बैंक खाते में दिया जा रहा है। बिहार में इस योजना से लगभग 71,72,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस सप्ताह पर आज आयोजित यह प्रेस वार्ता में हम अपनी ओर से और बेगूसराय जिला भाजपा की ओर से जिला के लाखों कार्यकर्ता और उनके समर्थकों की ओर से अपने आशीष शुभकामना देते हैं कि आप दीर्घायु हो और स्वस्थ हो और इसी तरह मां भारती की सेवा करते रहें, देश आपके नेतृत्व में तरक्की करता रहे। बिहार के परिप्रेक्ष्य में
1,25,000 का जो विशेष पैकेज उन्होंने दिया है, आज उसी का परिणाम है कि देश के का विकास के साथ साथ बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर के रेल के विकास से लेकर के हवाई क्षेत्र के विकास से लेकर के और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी मैंने अभी कहा कि दरभंगा में एक मेडिकल और एम्स की स्थापना हो, चाहे बड़े बड़े पुल का निर्माण हो, एनएच के क्षेत्र में जो राष्ट्रीय उच्च पथ है उसके निर्माण के क्षेत्र में, और सबसे बड़ी बात किसानों को और वो भी कोरोना के इस वैश्विक महामारी में जो एक वैश्विक संकट आया उसमें भी बिहार को, बिहार की गरीब जनता को, बिहार के महिला जनधन खाता के माध्यम से हो, चाहे फ्री में जो निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का सवाल हो, उस पर केंद्र की सरकार ने बिहार को बहुत कुछ देने का काम किया है। विस्तार से मैंने अपनी बातों को आपके सामने रखा है। एक और बड़ी बात जो कोरोना में इस संकट को, इस आपदा को अवसर में बदलने का जो विजन माननीय प्रधानमंत्री जी को है, उस विजन के कारण आज 20,00,000 करोड़ के पैकेज का घोषणा प्रधानमंत्री ने किया है, जिसका बड़ा लाभ बेगूसराय बिहार को मिलेगा, बेगूसराय को मिलेगा, और उस आत्मनिर्भर बिहार बनाने के संकल्पों के साथ बिहार भारतीय जनता पार्टी और बिहार की सरकार आगे बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट करना मत भूलिए।